नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारत में ऐसे पराक्रमी एवं साहसी शासकों की श्रृंखला काफ़ी बड़ी रही है, जिन्होंने न केवल विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की, बल्कि यहां की सभ्यता और संस्कृति को भी फलने फूलने का अवसर दिया। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही पराक्रमी शासक के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है राजा सोहेलदेव। राजा सोहेलदेव एक वीर एवं पराक्रमी शासक थे। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि यह कौन थे। राजा सोहेलदेव अपने पिता प्रसेनजीत के मृत्यु के बाद 1027 ईस्वी में बहराइच राज्य के शासक बनते हैं। उनका जन्म इसी राज्य में हुआ था। 990 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन इन्हें राजभर के नाम से भी जाना जाता था। इनके दो भाई थे जिनका नाम बहरदेव और मलदेव था। वह भी अपने भाई सोहेलदेव की भांति वीर और पराक्रमी थे। आज भी उत्तर भारत में अवध और मैदानी भागों में राजा सोहेलदेव की वीरता की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। उसने सबसे पहले अपने पिता द्वारा स्थापित किए गए बहराइच राज्य को और अधिक सुदृढ़ किया। उसने राज्य के रक्षात्मक उपायों पर विशेष बल देते हुए सेना का पुनर्गठन भी किया। उसने 1027 से लेकर 1077 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने अपने शासनकाल में महाराज की उपाधि धारण की। राजा सोहेलदेव ने अवध एवं उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों को संगठित करके एक सुदृढ़ राज्य का निर्माण किया। ये क्षेत्र प्रशासनिक आधार पर 21 भागों में विभक्त था, जहां राजा सोहेलदेव के सहयोगी उपराजा स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक प्रबंधक का कार्य करते थे। राजा सोहेलदेव ने अपने पराक्रम एवं बुद्धिमता से राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए गोरखपुर से सीतापुर, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, उनावा व लखमीपुर तक फैला दिया था। बहराइच के राजा भगवान सूर्य के उपासक थे। वे बहराइच में सूर्य कुंड पर भगवान सूर्य की पूजा किया करते थे। बहराइच को पहले ब्रह्माइच के नाम से जाना जाता था। बहराइच के आसपास के सभी छोटे बड़े राज्य बहराइच के राजा सोहेलदेव से मसूद को रोकने का आग्रह करते हैं। इसके बाद सलार मसूद को रोकने के लिए बहराइच के आसपास के सभी छोटे बड़े राज्य के राजा राजा सोहेलदेव के नेतृत्व में लामबंद हो जाते हैं, जिसके बाद सोहेलदेव के नेतृत्व में एक निर्णायक युद्ध होता है। लड़ाई का क्षेत्र चित्तौर झील से हठीला और अनारकली झील तक फैला हुआ था। जून 1034 ईस्वी में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में सयाद राजा सोहेलदेव के विषभुजा बाण से मारा जाता है। इसके दूसरे ही दिन सीवर में देखभाल करने वाले सलार इब्राहिम भी बचे हुए सैनिकों के साथ मारा जाता है। उसकी बची हुई सेना भाग जाती है। इस तरह वह इस्लाम का अंत कर देते हैं, मुसलमानों को भारत से दूर कर देते हैं। सैयद मसूद को उनकी विशाल सेना के साथ समाप्त करने के बाद राजा सोहेलदेव विजय पर्व मनाते हैं और इस महान विजय के उपलक्ष में कई पोखर भी खुदवाते हैं। वह एक विशाल स्तंभ का निर्माण भी करवाना चाहते थे, लेकिन इसको पूरा नहीं कर सके। 1034 ईस्वी में ही तुर्क सेना की इस पराजय के बाद लगभग 140 वर्षों तक किसी भी तुर्क सेनापति ने भारत को लूटने या फिर इस्लाम का प्रचार करने का साहस नहीं किया। यह सब राजा सोहेलदेव के वीरता और पराक्रम के कारण हुआ। तो इस तरह सोहेलदेव ने अपने शासनकाल में देश की रक्षा और अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की। इसी कारण से भारत सरकार ने 2018 में इनके सम्मान में डाक टिकटें जारी की हैं, जिस पर लिखा है महाराजा सोहेलदेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।